तारकम् शिवाभरणं घोररूपं पञ्चेन्द्रियतारकम् नित्यं जाग्रस्थिते निष्ठं नागनागं माशयेहं नित्यं जाग्रस्थिते निष्ठं नागनागं माशयेहं नागनागं 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 माशयेहं नागनागं। अपने प्रवचनों के जरिए वो सेक्स गुरु के रूप में भी काफी पहचाने जाने लगे। उनकी समाधि पर उनके बारे में जो लिखा हुआ है उसका मतलब कुछ इस प्रकार है, वो ना तो कभी पैदा हुआ और ना मरा, बल्कि केवल इस धरती पर कुछ समय के लिए आया और चला गया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहा जाता है ध्यान और आध्यात्मिक गुरु आचार्य रजनीश के लिए। रजनीश को ओशो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया में इस नाम ने भूचाल मचा दिया था। दुनिया के 21 देशों ने ओशो को अपने देश में शरण देने से मना कर दिया। हर देश ने उन्हें एयरपोर्ट से वापस कर दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि कोई भी देश इन्हें अपने यहाँ रखना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि अन्य देशों की सरकारों को अपने लिए खतरा पैदा होता दिख रहा था। हमारे आज के वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। आज हम लेकर आए हैं ओशो के जीवन की अनसुलझी पहेली। ओशो ने संन्यास धर्म ध्यान के साथ साथ दुनिया के तत्कालीन व्यवस्था को लेकर जो बातें कही थी वो सारी की सारी उनके खिलाफ चली गई। आज भी उनकी कही गई बातें तार्किक दृष्टिकोण से सही मालूम होती है, लेकिन ये संसार केवल तर्क के सहारे नहीं चलता, यहाँ आस्था विश्वास भावनाएं भी मायने रखती हैं। ओशो शब्द लैटिन शब्द के औष्णिक शब्द से लिया गया है, इसका मतलब होता है सागर में विलीन हो जाना। ओशो के जहाँ हजारों लाखों भक्त हैं वहीं उस समय ओशो के दुश्मन भी कम नहीं थे। कम्युनिस्ट उनके खिलाफ थे, वो सरकार के खिलाफ बोलते थे, इसलिए सरकारें भी इनके खिलाफ थी। वो धर्म के सबसे बड़े आलोचक थे, इसलिए धर्म के जो भी ठेकेदार थे वो भी उनके खिलाफ थे। ओशो की जिंदगी शुरू होती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक छोटे से गाँव कुचवाड़ा से, जहाँ 11 दिसंबर 1931 को उनका जन्म हुआ था। गरीब घर में पैदा हुए ओशो बचपन में जिनका नाम रखा गया चंद्र मोहन जैन। ओशो का बचपन मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीता, जहां उनके नाना नानी रहा करते थे। पढ़ने में वो काफी अच्छे थे और फिलोसफी में उनकी रुचि थी। उन्हें जबलपुर के ही कॉलेज में फिलोसफी की पढ़ाई करने के बाद सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की और फिर रायसेन के एक संस्कृत कॉलेज में पढ़ाने लगे। कॉलेज में पढ़ाने के दौरान वो बच्चों को जो लेक्चर दिया करते थे वो समाज में स्थापित संस्थाओं संस्थानों और इनके साथ साथ समाज में स्थापित लोगों के बिल्कुल विरोध में हुआ करते थे। जिन विषयों पर समाज में खुलकर बात नहीं होती थी वो उन विषयों पर चुटकुले कहते थे और उन पर स्थापित मान्यताओं के खिलाफ बोला करते थे। उन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ बोला। महात्मा गांधी की आलोचना करते हुए वो उन्हें अहिंसा के पुजारी की बजाय हिंसक साबित करने की बात कहते थे। इसकी वजह से जो गांधी के भक्त थे वो उनके खिलाफ हो गए। बच्चे भी उनकी बातों से प्रभावित तो होने लगे और इन तमाम बातों की खबर जब कॉलेज के प्रशासन को लगी तो कॉलेज प्रशासन ने उनसे हाथ जोड़ लिया कि अब हम आपको अपने यहाँ नौकरी नहीं दे पाएंगे। उन्हें संस्कृत कॉलेज की नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद वो जबलपुर आए और जबलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे, लेकिन ओशो के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो अपने स्टूडेंट के साथ साथ मिलने वालों से भी उसी तरह की बातें करते थे जिस तरह की बातों के लिए वो जाने जाते थे। जहाँ एक तरफ उनके दुश्मन बन रहे थे वहीं दूसरी तरफ उनके फॉलोअर्स भी बन रहे थे। 1960 में वो कॉलेज से बाहर निकलते हैं, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। लगातार 6 सालों तक पूरे देश में घूमते हैं और हर जगह वो अपनी बात कहते हैं। प्रवचन देने के दौरान हर जगह उनके फैन बनते चले जाते थे। 1966 में ओशो दोबारा जबलपुर विश्वविद्यालय ज्वाइन करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन उनके वैचारिक मतभेद स्थापित संस्थाओं से वैसे ही बने रहते हैं। वो धर्म और सेक्स जैसे विषय पर खुलकर बात करते हैं। इन तमाम बातों से कॉलेज मैनेजमेंट भी परेशान हो जाता है, वो उन्हें नौकरी से निकाल देता है।
वहां से चलकर चंद्रमोहन जैन ने अपने आप को आचार्य रजनीश का नाम दे दिया। 1968 में वो मुंबई चले गए। उन्होंने मुंबई के भारतीय विद्या भवन में जो भाषण दिया वो बहुत ही खुले विचारों का था, जहां उन्होंने 5 प्रमुख सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। इनमें से एक था दुनिया को सेक्स की ऊर्जा के माध्यम से मोक्ष के द्वार तक ले जाना। इन तमाम बातों को लेकर समाज में काफी हलचल मचती है, मीडिया में खबरें भी छपती है। लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा आदमी है जो इस तरह की बातें करता है। ओशो के प्रवचन, ऑडियो कैसेट, वीडियो और उनके आर्टिकल, किताबें काफी तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे। उनके फॉलोअर्स बड़ी तेजी से बढ़ने लगे। इसके बाद साल 1970 में कुल्लू मनाली में एक ऐसी घटना घटी जिसने देश के साथ साथ पूरी दुनिया का ध्यान ओशो की तरफ फोकस कर दिया। उन्होंने भारत के संन्यास की परंपरा के स्थापित मानकों को अलग रख कर एक नए तरह के संन्यास को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अब तक ये माना जाता था कि सन्यासी वो बनता है जो संसार को छोड़ देता है, लेकिन ओशो के सन्यासियों की टैगलाइन ये थी कि संसार में रहकर सन्यास का पालन किया जा सकता है। इस तरह के सन्यास को न्यू सन्यासी भी कहा गया, नव सन्यासी क्रांति भी कहा गया। ओशो ने कहा कि संसार को छोड़ो मत, बल्कि संसार में रहो, तमाम सुखों का भोग करो, नाचो गाओ और सेक्स करो। हालांकि सन्यास पंथ के लोगों ने इसका काफी विरोध किया, लेकिन इसके बाद ओशो के विचारों ने जो परिवर्तन किया उसने समाज में हलचल मचा दी। ओशो का कहना था कि इस दुनिया में परिवार की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवार लोगों पर एक बंधन डालता है और हमें सारे बंधन को तोड़कर मुक्त होकर जीना है, अपने हिसाब से जीना है। हर एक इंसान को यह अधिकार है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन को जी सके। इसका मतलब ये हुआ कि फिर शादी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी वो बंधन है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर उनसे कहा जाता है कि आप लोग प्यार करो, उनमें प्यार कम झगड़ा ज्यादा होता है। कुछ इस तरह की बातें जब ओशो के प्रवचनों में ढलकर लोगों के सामने आने लगी तो समाज का मूलभूत ढांचा चरमराने लगा और लोगों का स्वाभाविक विरोध सामने आने लगा। इसके बाद भी ओशो ने अगले स्तर पर जाकर धर्म का विरोध शुरू कर दिया। उसने धर्म के अस्तित्व और जरूरत पर भी सवाल करना शुरू कर दिए। उनका कहना था कि आज के मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के एज में भी हम धर्म उन बातों को मान रहे हैं जो हजारों साल पहले अस्तित्व में आई। धर्म लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करता है। जब धर्म का विरोध शुरू किया गया तो धार्मिक ठेकेदारों का विरोध करना भी स्वाभाविक था, और उन्होंने विरोध किया भी। इसका नतीजा ओशो के विरोधियों की संख्या बढ़ गई। इसके बाद उसने सभी देशों और उनकी सीमाओं को लेकर कहा कि दुनिया में इतने सारे देश भी नहीं होने चाहिए, इनकी सीमा समाप्त हो जानी चाहिए और सब कुछ एक शासक के अंतर्गत आ जाना चाहिए। पूरी दुनिया में कोई एक ही प्रशासक होना चाहिए। उन्होंने यूनाइटेड नेशन की भी आलोचना की, यहाँ तक कि कहा यहाँ कोई मसले हल नहीं होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में एक विश्व शासक होना चाहिए और दुनिया का हर देश अपनी सेना को उसी शासन के अधीन कर दे, क्योंकि जब कोई सीमा नहीं होगी तो युद्ध की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। इसकी वजह से अलग अलग देशों की सरकारें अपने अस्तित्व को लेकर चिंता में पड़ गई, क्योंकि ओशो के फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ती चली जा रही थी। हर देश में उनके पसंद किए जाने वाले लोग मौजूद थे। इसके बाद उनकी सबसे कंट्रोवर्शियल किताब आई। इसका टाइटल था संभोग से समाधि। इस किताब ने जितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की उतना ज्यादा इसे पढ़ा गया। इन तमाम कंट्रोवर्सीज के चलते ओशो बहुत ही पॉपुलर हो गए। उन्होंने खुद को भगवान घोषित कर दिया। वो अपने शिष्यों के बीच भगवान की तरह पूजे जाने लगे। इसी बीच पुणे में उनकी तबीयत खराब हुई और उनके शिष्यों ने इलाज के लिए अमेरिका जाने की सलाह दी। साल 1981 में उन्हें अमेरिका ले जाया गया। अमेरिका में इलाज तो हो गया, मगर उनके शिष्यों ने उन्हें अमेरिका में ही रहने के लिए राजी कर लिया। अमेरिका में एक रेगिस्तानी इलाका है, सेंट्रल ओरेगॉन। ओशो के शिष्य ने उनके लिए 64 एकड़ जमीन खरीदी। वहां पर एक आश्रम तैयार किया गया, उसका नाम रजनीशपुरम रखा गया। वहां पर ओशो अपने 10,000 सन्यासियों के साथ रहते थे। आचार्य रजनीश पुरम नाम की इस जगह पर हर सुविधा मौजूद थी जो किसी लग्जीरियस शहर में मौजूद होनी चाहिए। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को पूरी आजादी थी, वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी सकता था। वहाँ रहने वाले व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे तो कपड़े पहनकर रहे या फिर बिन कपड़ों के, जब मर्जी हो नाचो गाओ मौज करो। इन चीजों को देखते हुए दूसरे लोग भी रजनीशपुरम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। धीरे धीरे भक्तों की तादाद 20,000 हो गई। उसमें 5,000 के करीब घर बन गए। इतना ही नहीं, यहाँ पर एयरपोर्ट भी बन गए। एयर रजनीश के नाम से उनकी खुद की एयर सर्विस बन गई। यहाँ उनकी अपनी पुलिस थी।
लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ उनके विचारों की चर्चा जब अमेरिका में फैली तो अमेरिकी सरकार के भी कान खड़े हो गए। उसमें रोनाल्ड रीगन की सरकार थी। उन्होंने रजनीश के शिष्यों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने ओरेगॉन शहर के लोगों को जहर देने की कोशिश की है। इसी आरोप में रजनीश को उनके शिष्यों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा कई छोटे मोटे कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा। एक ऐसी जेल में उन्हें रखा गया जहां पहले से बीमार कैदी थे। उन्हें एक आम कैदी की तरह बेड़ियों में जकड़ा गया, जहां जांच होने के बाद उन्हें नॉर्मल जेल में रखा गया। करीब 12 दिन जेल में रखने के बाद उन पर कुछ करोड़ का जुर्माना लगाया गया। साथ ही 5 साल पहले अमेरिका न आने की शर्त के साथ उन्हें छोड़ दिया गया। फरवरी 1986 में ओशो ने अमेरिका छोड़ दिया। अमेरिका से निकलने के बाद ओशो ने ग्रीस, स्विट्जरलैंड, उरुग्वे, कनाडा जैसे कुल 21 देशों से शरण मांगी, लेकिन बहुत से देशों ने तो मना कर दिया। कुछ ने तो एयरपोर्ट से भी फौरन वापस कर दिया। जिस किसी ने भी उन्हें शरण देने की हिम्मत दिखाई, बाद में उस देश ने भी उन्हें अपने यहाँ से रवाना कर दिया। साल 1987 में ओशो भारत आ गए और पुणे में रहने लगे। वही एक बार फिर अपने प्रवचन देने लगे, लेकिन उनकी सेहत गिरती चली जा रही थी। पहले वो भक्तों को 3 बार प्रवचन देते थे, फिर 1 बार देने लगे। इसी बीच 26 जनवरी 1990 को शाम 5 बजे ओशो की मृत्यु हो गई। ओशो के कहे अनुसार उनके शिष्य मौत पर जश्न मनाते हैं और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उनकी मौत को लेकर ये बात भी कही जाती है कि जब अमेरिका की जेल में वो थे, तब उन्हें थीलियम नाम का एक स्लो पॉइजन दिया गया था, जिसमें आदमी की मौत तत्काल नहीं होती बल्कि धीरे धीरे बीमार होकर वो मरता है। ये थी ओशो के जीवन की कहानी। उनकी समाधि पर लिखा गया है कि ये ना कभी पैदा हुए न मरे, बल्कि 31 दिसंबर 1931 को इस दुनिया में आए, 29 जनवरी 1990 को इस दुनिया से चले गए। आपका ओशो के बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।